सदस्य, नौकर चाकर, दास और दासी और प्रजाजन सभी को चिंता हो जाती है कि रात दुलारी गई तो कहां गई, ये हुआ तो कैसे हुआ। अब इधर वो रात दुलारी जब निद्रा टूटती है तो भयंकर जंगल को देख करके और भयभीत हो जाती है, अपने माता पिता को पुकारती है। प्रातःकाल जंगल के अंदर वो लड़की की विरह की आवाज आर्तवाणी दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। राजा दशरथ के मंत्री सुमंत शिकार खेलने के लिए गए थे, वो जंगल में रास्ता भटक गए थे, वो रात्रि के लिए विश्राम पर जंगल में घूम रहे थे। प्रभात जब अचानक आवाज सुनाई दी तो मंत्री सुमंत ने विचार किया, ये तो कोई स्त्री की आवाज है और कोई या तो भय में है या कोई उसे प्रताड़ित कर रहा है, कोई न कोई कष्ट है उसे। तो मंत्री सुमंत वहां आता है, पूछता है कि तू कौन हो, कहां से आई हो, माता पिता कौन है, यहां कैसे आ गई। राज दुलारी उस लादे अपना पूरा वृतांत बताया कि मैं राजा उसने इसकी लड़की हूं, गोसल कुटी हूं, मेरा नाम कौशल्या है, मैं महल में सोई थी, पता नहीं मैं यहां कैसे आ गई, मुझे इस बात का कोई मालूम नहीं। उस समय राजा दशरथ के मंत्री सुमंत विचार करते हैं कि ये राज घराने की राज दुलारी है और पता नहीं इसके साथ क्या कुछ धोखा हुआ है, छलपट हुआ है, पर तेरा कर्तव्य है, तेरा धर्म है, तेरा कर्तव्य है, तेरा विश्वास है, तेरी मानवता है, उसके आधार पर तू इसे इसके ठिकाने पर भेजे। तो सुमंत राज दुलारी को लेकर के कौशलपुर में आ जाता है। इधर राजा कहते हैं कि श्रीमान जी आपने हमारी इज्जत को बचाया है और जो इज्जत बचा देता है वो बहुत बड़ा रक्षक माना जाता है, तो हमारे लिए आपसे बड़ा कोई इंसान हमें दिखाई देता है। हमारी इच्छा है कि हम अपनी राज दुलारी को संबंध में आप जैसा पति मिले और हम आपके रिश्तेदार हों। मंत्री सुमंत ने हाथ जोड़ लिए, महाराज मैं तो मेरे किए का एहसान उसी में मान लूंगा कि राज दुलारी यथा योग यथा स्थान पहुंच गई, यदि आप फिर भी मेरे किए हुए का कुछ देना चाहते हो तो राजाओं के रिश्ते राजाओं से हुआ करते हैं, मैं तो मंत्री हूं, आप ऐसा करने का विचार रखते हो तो मैं महाराज दशरथ का मंत्री हूं, आप अयोध्या में नगर पत्रिका भेज दीजिए। तो राजा उसी वक्त अपने ब्राह्मण नाई नगर पत्रिका अयोध्या भिजवा देते हैं और इधर राजा दशरथ बरात सजा करके चल देते हैं। इधर जिस रास्ते से कौशलपुर में जाना था उस रास्ते में एक दरियाव पड़ता था, राजा दशरथ की पूरी बरात नौकाओं में बैठ करके नौकायन के मार्ग से
और कौशल देश में प्रवेश कर रही थी। राजा दशरथ भी एक नौका में सवार थे। रावण ने विचार किया, मैं ये संबंध नहीं होने दूंगा। वज्र का रूप धारण करके और रावण आकाश से उस नौका पर गिरता है, जिस नौका में दशरथ सवार थे। नौका के टुकड़े हो जाते हैं, पर एक टुकड़े पर राजा दशरथ सुरक्षित रह गए, जीवित रह गए। इधर रावण को आकाशवाणी हुई कि रावण तूने किया था वो तो तू नहीं कर सका, वो राजदुलारी तो राजमहल में गई। फिर रावण अपनी माया से कौशलपुर में जाकर के सहेलियों के साथ जो देवी पूजा करने के लिए कौशला गई हुई थी वहां से फिर अपहरण करता है रावण कर लिया और जंगल में ले आता है अचेत अवस्था में करके फिर राघोमच के अधीन करता है और खुशी मनाता है। इधर ब्रह्मा जी फिर उसी वेश में आकर के और राज दुलारी को ले जाते हैं और ब्रह्मा जी ने देख लिया कि रावण तो अपने मन से जो करना था माया के प्रताप से अपनी राक्षसी विद्या से जो रावण को करना था वो कर चुका। रावण को अब भी अभिमान है, ये संबंध में बोले नहीं दूंगा। इधर कौशिका को भी बक्से में बंद करके डाल दिया रावण ने। वो बक्सा बहता हुआ उसी दरियाओं में जा रहा था। ब्रह्मा जी आते हैं, बक्से को खोलते हैं और इधर वो टापू आ जाता है। इधर से दशरथ की नौका का टुकड़ा और इधर से वो बक्सा। ब्रह्मा जी टापू में दोनों का संबंध करवा देते हैं। संबंध हो गया, ब्रह्मा जी जाने लगे, रावण रास्ते में मिल जाता है। ये पितामह, मैंने दशरथ का तो नामो निशान मिटा दिया। अरे नुबला नालायक, उनका तो संबंध हो गया। बोले संबंध हो गया उनका तो जाको राखे साइया मार सके ना को बालन बाका कर सके चाहे जग बैरी। उनका पानी ग्रहण संस्कार हो चुका। कहा हुआ कि टापू में। अब वो समय आ जाता है जब दशरथ के कोई संतान नहीं हुई तो दशरथ चिंता के सागर में डूब जाते हैं और अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी को बुलाते हैं। वशिष्ठ मुनि से राजा दशरथ निवेदन करते हैं कि गुरुदेव मेरे कोई संतान नहीं हुई, देखिए कोई संतान का योग है या नहीं है, और यदि योग नहीं भी है तो आप ऐसे विद्वान हो, ऐसे यत्न करने वालों में श्रेष्ठ हो कि कोई न कोई युक्ति यत्न से मेरी वंश की वृद्धि आप करिए, आपके सिवा मैं कहां जाऊं। महाराज दशरथ की बात सुनकर के वशिष्ठ मुनि कहते हैं, दशरथ मैं जानता हूं आपके संतान नहीं है और संतान का योग है भी नहीं। हाँ, कोई ऐसा योग नहीं होता है तो उसका योग बनाने की विधि है। क्या विधि है कि पुत्रेष्टि यज्ञ करो, आप पुत्र यष्टि यज्ञ करिए जिससे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। तो महाराज आप करिए, मैं नहीं, ये यज्ञ
इस समय इस भूमंडल पर करने वाला एक ही ऋषि है, वो कौन? आपका श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि, हाँ, उनको बुला लो और उनसे यज्ञ करवा लो, तो आपका यज्ञ करेंगे तो आपको इच्छित संतान प्राप्त होगी। नुगले महाराज, आप तो मेरे मेरे लिए ना करने वाले काम तो भी कर सकते हो, पर श्रृंगी क्यों आओगा? श्रृंगी का और मेरा क्या संबंध है? महात्मा श्रृंगी मेरे दुख को क्यों दूर करेंगे? उनको मेरे से क्या लेना देना? नुगला वो करेंगे, देखो आप खबर तो भेजिए एक बार। नुगला महाराज, खबर भेजने में मेरा भी अपमान होगा, यदि मेरे संदेश से वो नहीं आए, निमंत्रण से नहीं आए, तो फिर मेरा ये मेरी महानता, मेरा राजपन और मेरा ये प्रभुत्व, इसका क्या महत्व है? नुगला रे, आप एक बार भेजो संदेश और सुन, वो जरूर आएगा। क्यों आएगा? हाँ भाई, ये होनहार बच्चे की बुआ दी मायाबाई 500 रुपए बच्चे के नाम से, 100 रुपए भारती के नाम से प्रदान करती। धन्यवाद भाई जी, आपका बात बड़ी। होनहार बच्चे की ताई जी दौड़ी, दौड़ी देवी बच्चे की ताई जी 100 रुपए बच्चे के नाम से। वो भी तो दादा ताई आ रही थी, दादी बाकी है। ये 100 रुपए बच्चे की ताई पूनम बच्चे के नाम से प्रदान करती। धन्यवाद। ये और हर बच्चे की बुआ जी रमेशी भाई 100 रुपए बच्चे के नाम से, 50 रुपए पार्टी के नाम से। धन्यवाद। ये बच्चे की बुआ जी शीला भाई 100 रुपए बच्चे के नाम से। धन्यवाद। ये बच्चे की बुआ जी भजनी बाई 200 रुपए बच्चे के नाम से। आपके गए तो भाई बता।
हाँ वो दो फटकारो अच्छा फटकारा खाते तो सही पंडित जी आया कहते कह जवानी में का वो तड़काओ तू टेम हो जाई जवानी का वाला के तड़काओ दो हो जाए अच्छा दादू को तो लागो ना संगीत भाई के खड़ा था संदेश दे भेज नरेश तेरी अपनेस बताई से संदेश दे भेज नरेश तेरी अपनेस बताई से ए राजा तू संदेश तो भेज एक बार वशिष्ठ जी कहते हैं दशरथ से तू संदेश तो भेज नरेश तेरी अपनेस बताई से तू संदेश तो भेज नरेश तेरी अपनेस बताई से आता मैं नहीं मेरा वो संगी Yeah.
Yeah.
Thank you.